गाड़ी है पूरी और ऐसे हालात हो रखे अंदर, पूरे कांच कांच है, पूरा सीट पे भी कांच कांच है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो एक तो बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहे हैं आजकल, तो उसका रीजन है हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है। हमारी जो टैक्सी गाड़ी है उसका किसी ने शीशा फोड़ दिया है और वो गाड़ी 1 महीने से खड़ी थी, तो उसके में बैटरी भी नहीं है उस गाड़ी में। तो हम आज क्या कर रहे हैं, उसका शीशा तो हमें ठीक कराना है, उसका रिप्लेस कराना है, तो हम उसको सर्विस सेंटर दे के आएंगे, तो उससे पहले उसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड गाड़ी है, ये भी टैक्सी है, तो हम इससे उसको चार्ज कर रहे हैं बैटरी, और उसकी बैटरी चार्ज करने के बाद उसे धक्का मार के स्टार्ट वगैरह जैसे स्टार्ट करने के बाद थोड़ा बैटरी से स्टार्ट कर देंगे, कल जाके वो सर्विस सेंटर दे आएंगे। तो मैं एक बार कंडीशन दिखाता हूँ कि हम कैसे उसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली गाड़ी है और सामने वाली दूसरी गाड़ी का आप देख सकते हैं सारा शीशा सामने टूटा हुआ है। शीशा अगर फोकस कर लेगा तो ये टूटा हुआ है पूरा शीशा, ये वाला इस साइड से। तो इससे उसको चार्ज कर रहे हैं, उसकी बैटरी पे तार लगा के चार्ज हो जाएगी। तो उसको चार्ज स्टार्ट करेंगे, फिर उसको कल लेके जाएंगे सर्विस सेंटर पे। मतलब खड़ी खड़ी गाड़ी में लॉकडाउन में नुकसान हो गया। तो जी वापस आ चुके हैं आपके लिए, और मैं अभी जिस गाड़ी का शीशा टूटा उस गाड़ी में बैठा हुआ, उसको लेके जा रहे हैं सर्विस सेंटर। अब देखते हैं, धीरे धीरे चला के लेके जाएंगे। अब लेके तो जानी पड़ेगी, अब जैसे तैसे। अब गाड़ी की बैटरी पूरी डाउन थी, हमने बैटरी क्या करा चार्ज पे दे दी, से 100 रुपये में चार्ज होगी बैटरी। तो चार्ज कराने के बाद इसमें दोबारा लगा दिया, गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। अभी मैं दिखाता हूँ कि अंदर कैसे हालात हैं। गाड़ी है पूरी और ऐसे हालात हो रखे अंदर, पूरे कांच कांच है, पूरा सीट पे भी कांच कांच है। ये इसमें मैंने साफ कर लिया था पूरा ही, मतलब इतना तोड़ रखा शीशा गाड़ी का, पूरा देख सकते हैं, पूरे पूरे हाल कर रखे हैं। इसे अब जा रहे हैं, हम इसे कंपनी में देना, देखते हैं कंपनी वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। सब चीज़ में ओके है, गाड़ी एकदम मस्त चल रही है। अब भाई लोग साथ में चल रहे हैं पीछे दूसरी गाड़ी में अपनी, जो प्राइवेट गाड़ी है। तो चलो चलते हैं फिर। अब रास्ते में व्लॉग तो करूँगा नहीं, ऐसे में कहीं शीशा गिर गया हाथ पे। चलो फिर चलते हैं। तो चश्मा पहन लें अपनी सेफ्टी के लिए, कि यानी केस अगर कांच गिरता है तो मेरी आँखों पर ना जाए, और मुँह पर पूरा ग्लव्स पहन लूँगा ऐसे मास्क, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ साइड जाएंगे। बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भी चलाने वाले नहीं है, बाइक कार को 20 की स्पीड में ही चलाएंगे। और नई गाड़ी है, हार्डली अभी 6 महीने में 3 महीने लॉकडाउन में खड़ी थी, क्योंकि काम ऑफिस में कैब्स अलाउड है नहीं, तो बंद हो रखी थी गाड़ियाँ, तो 3 महीने खड़ी थी। तो 3 महीने चली है, 3 महीने में 31,000 चल चुकी है, तो 3 महीने और खड़ी थी। अब देखते हैं क्या करते हैं, अब कंपनी में कितनी देर खड़ी रहती है। और एक गाड़ी और है, उसे भी देने जाएंगे इसके बाद, वो भी स्विफ्ट डिजायर है, उसका भी शीशा वीसा हल्का हल्का ब्रेक हो रखा है, थोड़ा बहुत डेंट वेंट भी है, तो दोनों ठीक करा देंगे। लॉकडाउन में गाड़ी खड़ी है, तो हमने सोचा इंश्योरेंस क्लेम ही कर लेते हैं। 25-30,000 रुपये के इनके इंश्योरेंस है फर्स्ट हैंड, तो हमने सोचा क्लेम कर लेते हैं लगे हाथ। तो देखते हैं क्या होता है, सारा प्रोसीजर देखते हैं क्या कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। तो चलो अभी भाई लोग का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी दूसरी गाड़ी में। चलो फिर चलते हैं। तो जी घर आ चुके हैं अपनी गाड़ी देके, गाड़ी देने तो हम गए थे फर्स्ट टाइम, उन्होंने हमारा रोड टेस्ट खत्म हो गया था, वो एक दिन पहले ही खत्म हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बिना रोड टेस्ट के आपकी गाड़ी हम लेंगे नहीं, क्योंकि आजकल कोविड-19 की वजह से हम ऐसी हर कोई गाड़ी रखनी है, जब तक उसका पेपर कंप्लीट पूरा नहीं होता। तो हमने रोड टेस्ट पहले ऑनलाइन भरा वहाँ पर बाहर खड़े होकर, तो बहुत हैसल पैसल हो गया था वहाँ पर, कि वो कांच टूटी हुई गाड़ी, एक तो उसके गड्ढे में जब भी इसका चला रहा था कांच उससे गिर के मेरे ऊपर ही गिर रहे थे। तो उस चक्कर में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई वहाँ पर, हम रोड टैक्स भरने में लग गए। हम ऑनलाइन कैसे भरते हैं क्या नहीं भरते, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे हम, क्योंकि आज से पहले तो अपने आप पे हो जाता था रोड टैक्स, जो ट्रैवल गाड़ी चलाते वही करवा लेता था। तो रोड टैक्स भरा उसका, फिर ऑनलाइन उसको भी सबमिट किया, फॉर्म पेपर वर्क सारा पढ़ने में बहुत टाइम लग गया। 5-6 बज के अब घर आ चुके हैं, और घर आके अब बालों में तेल वेल लगा दिया, क्योंकि नहाना जाना है अब सीधा, तो बालों में तेल लगा लिया आधा एक घंटा पहले, तो तैयार हो चुके हैं। घर जा नहा के सीधा नहाने जाएंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपने जिसने भी कांच तोड़ा हो, तो हमें पता है किसने तोड़ा, हमें CCTV फुटेज भी अभी मिलने, मतलब कैमरा लग चुका है, CCTV फुटेज उनके पास है, उनसे लेना बाकी है। अगर मिलेगी तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कैसे टूटा शीशा हमारा। बट उन्होंने खुद ही, जिन्होंने शीशा तोड़ा है, हमने पता लगा लिया, अब जैसे भी था उन्होंने, किसी ने देख लिया उनको शीशा तोड़ते हुए, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं पे कर दूँगा। अब जैसा भी है, जो बंदा मैं जैसा शीशा फोड़ा था वो मिल चुका था उसी टाइम, तो उसने कहा है कि मैं धीरे धीरे करके पे कर दूँगा। अब जो भी है, जैसा कि हमने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया, उसमें 3,500 रुपये लगने वाले, सब चीज़ें जो भी प्रोसेस है, 15 दिन बाद गाड़ी मिलेगी हमें वापस। तो बस आज के लिए रखते हैं शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपके लिए नई जो मैं सेकेंड हैंड कार खरीदी है उसकी भी वीडियो इसके बाद आ जाएगी। तो बस मिलते हैं फिर ऐसे किसी अगली वीडियो तक। लोग टाटा बाय बाय, राइट सेफ, डेट ऑल इज हेलमेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट अपने माता पिता भारत माता बाय।